विवादित कृषि कानूनों को आखिरकार वापस ले लिया गया है, लेकिन किसानों पर पक्ष और विपक्ष की जो रणनीति है, जो वर्सेस है, वो हमें दिखाई दे रहा है। संसद के दोनों सत्रों से कृषि कानूनों की जो वापसी का बिल है वो पारित कर लिया गया है। दरअसल इस मौके पर सरकार को खूब किरकिरी भी झेलनी पड़ी है। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है और सरकार को किसान विरोधी करार दिया। यूपी के पूर्व सीएम और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा था तब बीजेपी का क्या रुख था, और आज जब बीजेपी ने कानून वापस ले लिया है तो ये किसानों के हक में कैसे हो गया। 700 किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों की मदद कौन करेगा? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन परिवार वालों का सम्मान किया जाएगा। यूपी की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी तो अपने आप को योग्य बता रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है उसे ये कह रहे हैं कि आखिर वो हमें बताए कि उन्होंने जनता के लिए किया क्या है, कौन सा विकास किया है। तो अखिलेश का बार पूरी तरह से तैयार है, जनता को नहीं चाहिए योगी सरकार। कृषि कानून वापसी पर विपक्षी सियासत तेज नजर आ रही है, अखिलेश के नए बोल नजर आ रहे हैं और चुनावी ढोल कहीं ना कहीं इसमें सुनाई देते हैं। किसानों की मौत पर विपक्ष की सियासत जो है वो लगातार बरकरार है। किसानों की शहादत पर लगातार जो विपक्ष है वो सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। मुआवजे की मांग लगातार कर रहा है, अपने आप को सत्ता में लाने के बाद मुआवजा देने की बात भी कर रहे हैं। मदद के नाम पर सेकी जा रही राजनीतिक रोटियां, क्या वाकई मदद की जाएगी या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल। तो किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, भले ही जो कृषि कानून वापसी बिल है वो भी वापस ले लिया गया हो और पास करा लिया गया हो, चाहे वो लोकसभा से, राज्यसभा से, और अब जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब सारी चीजें हो रही हैं, सरकार ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन अब भी सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में था, तो फिर वापस क्यों लिया गया, क्यों इसकी घोषणा की गई? लेकिन अब विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है, विपक्ष एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। राकेश टिकैत साफ तौर पर कह चुके हैं कि आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सरकार अगर ये सोचती है कि वो सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून जो है वापसी बिल लोकसभा राज्यसभा में पास करा लेगी तो हम मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आंदोलन चंद घंटों में खत्म नहीं होने वाला है। हमें एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी चाहिए, हमें चाहिए कि जो एफआईआर किसानों पर होती है वो वापस हो। न्यूज वन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपसे ये मैं जानने की कोशिश करूंगी कि जब ये जो कृषि कानून बिल था, जो अभी सरकार इसे लेकर आई थी, तब भी ये किसानों के हित में था, अब खुद वापस ले रही है, घोषणा कर रही है तब ये किसानों के हित में है, आखिर कैसे, क्या अंतर समझ सकते हैं हम? किसानों को समझाने की कोशिश काफी की है, इससे पहले भी कहीं बैठे गए हुए तो हमेशा चलता रहा है, लेकिन बैठक के दौरान जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सरकार को फैसला वापस देना पड़ा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सरकार को देखा जा रहा है कि अगर किसान नाराज हो रहा तो कहीं ना कहीं जो खामियां है उसको भोगना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर सकते, पूरे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो किसान कोई खासा नाराज है, नाराज उसमें सरकार से दिख रहा है, और ये सरकार के लिए एक अहम कदम भी था जब कानून को लेकर आए थे और बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन बवाल तब भी था संसद से लेकर सड़क तक, बवाल अब भी है संसद से लेकर सड़क तक। विपक्ष इस मुद्दे को पहले भी बुना रहा था, विपक्ष अब भी बुना रहा है, क्या कह सकते हैं?